बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। रुक रुक कर हो रही वर्षा ने राजधानी की फिजा ही बदल दी है। बृहस्पतिवार को दिन भर मौसम सुहावना बना रहा तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बृहस्पतिवार सुबह जब दिल्ली वासी सोकर उठे तो बाहर हल्की वर्षा हो रही थी। मौसम भी सुहावना था। बीच बीच में वर्षा रुक भी जाती तो कुछ देर में फिर शुरू हो जाती। कई बार हल्की धूप और बादलों के बीच लुकाछिपी देखी गई। बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मई और जून से लेकर अभी तक यह सबसे कम तापमान है। इससे कम तापमान अप्रैल माह में दर्ज किया गया था। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 100 से 77 रहा। जहां तक वर्षा का सवाल है तो शाम 5:30 बजे तक यह 9.8 मिमी दर्ज की गई। पालम में 17.6 मिमी, लोधी रोड पर 8.0 मिमी, रिज क्षेत्र में 5.6 मिमी और आया नगर में सर्वाधिक 42.9 मिमी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने एवं हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 26 डिग्री रह सकता है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 10 जुलाई तक हर रोज ही हल्की वर्षा होने की संभावना है।